विराट कोहली यहाँ पर आ रहा है। पहली विकेट डाउन और लोगों का एंथुसियाज्म देख सकते हो। नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड है क्रिकेट एक्सप्लेन्ड करके, यूली देखने लग रही है क्योंकि यूली को क्रिकेट के रूल्स नहीं पता क्या है और एक ऐसे इंसान को जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता उन्हें रूल्स समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो सारी टर्म्स हैं, ये जो सारे शब्द हैं, इन्हें कहां से मतलब कैसे समझाया जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं काफी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई थिंक समझ गई है यूली काफी हद तक। Yeah, so the six balls are called an over and it's really important. Yep. एक बार फिर से दुबई में स्वागत है दोस्तों। What's so hot? Yeah. Very excited. I hope India better win. That would be so disappointing. बचपन से मेरा सपना रहा था क्रिकेट मैच को स्टेडियम में देखने का, और आज पहली बार होगा कि जिंदगी में मैं क्रिकेट मैच को स्टेडियम में देखूंगा, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो चलते हैं। ये रहा स्टेडियम, यहाँ पे दिखने लग रहा है। ये जो लंबी लाइन आप गाड़ियों की देख रहे हैं यहाँ पर, सबके सब लोग स्टेडियम जाना चाहते हैं मैच देखने के लिए। बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। पीछे गाड़ी वहीं खड़ी कर दी है और अब यहाँ से आगे चलकर जाना है। इतनी भीड़ है कि पार्किंग भी नहीं मिल रही। यहाँ तो पुलिस भी घोड़ों पर खड़ी हुई है पेट्रोलिंग करने के लिए। क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ फैमिलीज के लिए लाइन है जो थोड़ी छोटी है, नहीं वो वाली लाइन तो बहुत ही बड़ी है। करीब 20 मिनट बचे हैं मैच शुरू होने में और पिछले 40 मिनट से हम पहले ट्रैफिक में थे और अब इस भीड़ में रास्ता ढूंढ रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम हो रहा लेकिन अभी भी बहुत भीड़ से आगे जाकर सीट पर पहुंचना है। 10 minutes until it starts. Definitely plan in enough time because all of this takes quite a long time. 1 hour. We left 1.5 hours before. 5 minutes रह गए मैच शुरू होने में और अभी तक भी हम पहुंचे नहीं है। भागना पड़ेगा। अंदर से आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं। Oh wow. This is the grand lounge, I think. ये रही अच्छी सीट और ये तो बड़ी ही पास मैच होने लग रहा है। वी कैन सी एवरीथिंग, वी कैन सी ऑलमोस्ट द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स। पहली बॉल के टाइम पर पहुंच गए हैं और ये पहली बॉल बोली। दूसरी बॉल पे पाकिस्तान की विकेट गई। His leg was before the wicket, so he's probably out. But they went to the third umpire. पहली विकेट डाउन और लोगों का एंथुसियाज्म देख सकते हो। जो क्राउड की तरफ पॉइंट कर रहा है ये रहा, और इसके अलावा एक ड्रोन भी उड़ रहा है हवा में। आगे।
विकेट चली गई है। कैमरे में इतना जूम है कि अगर मैं जूम करते रहूं तो प्लेयर्स के चेहरे दिखते हैं, जैसे कि ये रविंद्र जडेजा खड़ा हुआ है, यहाँ दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा। थोड़ा सा नीचे जाके पास से देखने की कोशिश करते हैं विराट कोहली को। Everyone is going closer to get a better view of Virat Kohli. Men will be men. थोड़ा अंदर चल के देखते हैं हम लाउंज के। बाहर से बहुत देख लिया है। टीवी में और एक्चुअल लाइफ में थोड़ा सा डिले होता है। यहाँ पर एक बढ़िया बुफे लगा हुआ है जहाँ से हर कोई खा सकता है। थोड़ी पाव भाजी ली है यहाँ पर। पाकिस्तान की आधी इनिंग्स हो चुकी है और मैच काफ़ी बराबरी का लग रहा है, हालांकि इंडिया थोड़ी सी आगे ही कहूँगा मैं। देखकर ऐसा लगता है कि यूली एक लौती फॉरनर है इस पूरे स्टेडियम में जो इंडियन या पाकिस्तानी नहीं है। एक और विकेट गिर गई पाकिस्तान की। फ्रंट सीट पर बैठकर जो व्यू आता है ये बहुत ही बढ़िया है। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी लगती है, बहुत हाई चांस है कि इंडिया जीत जाएगा। जैसे बोला चौका मार दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बहुत ही बुरी हालत हो रही है पाकिस्तान की, एक के बाद एक विकेट गिरी जा रही है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन LBW को लेकर। बॉल ट्रैक इज कमिंग, थिंग आउटसाइड ऑफ इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स अंपायर्स कॉल, गोट ऑफ टू ऑन फील्ड रूटीन एक्चुअली विद द ऑर्डिनरी। बड़ा ही अजीब है, जैसे ही ये कैमरा ऊपर से टपक जाता है प्लेयर के पीछे। बेचारा प्लेयर यहाँ पर। और ये पाकिस्तान की इनिंग्स का दी एंड। क्या लग रहा है, क्या चांस है इंडिया के जीतने का? हमें लगता है हारेंगे। हम इतना चल के आए 3 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं हारने वाले हम, बस 150 भी नहीं हो पाए। खत्म, बहुत आसान, बहुत इजी लग रहा है। भले आदमी ने क्या बोला था राहुल गांधी ने, खत्म खल्ला टाटा बाय 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 टाटा गुड बाय। आई लव यू ग्रुप, यू आर ग्रेट मैन, ऑल गुड वीडियोस। इंडिया की शुरुआत बहुत ही बुरी रही है। हम जैसे यहाँ पर आए ऑलरेडी एक विकेट जा चुकी थी और एक बड़ा ही क्लोज कॉल हुआ सेम ओवर में। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है कोहली की और लोग भी कोहली कोहली करे जा रहे हैं। मैच का रुख बदल सा गया है विराट कोहली की विकेट जाने के बाद, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है इंडिया के लिए। At least it's more suspenseful now. काफ़ी सारा इंडियन खाना रखा है यहाँ पर और ये ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो कि नहीं पीनी है। पानी पीना है इसकी जगह, जैसा मैंने बताया था। यहाँ पे ब्राउनी भी मिली है जो कि बहुत ही अच्छी है, अभी तक की बेस्ट खाने का आइटम है। आखिरी 10 ओवर बचे हैं और बहुत ही थ्रिलिंग मैच हो रहा है, कोई भी जीत सकता है अभी। और ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे क्योंकि अब मुश्किल लग रहा है, ये बहुत स्लो खेलने लग रहे हैं। हालत बहुत खराब हो गई है, हार्दिक पटेल और रविंद्र जडेजा पर ही उम्मीदें टिकी हैं।
बढ़ता जा रहा है इतने करीब मैच में। पावर प्ले की शुरुआत होते ही चौक के लगने शुरू हो गए हैं। मैच फिर से पलट गया है, पाकिस्तान के पास से विकेट आ गई है। दो चौकों के बाद उम्मीद बहुत बढ़ गई है। Yeah, only 10. सात बॉल में 11 रन चाहिए। और लोग ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं अपनी सीटों से क्योंकि सबको पता है। There we go. Oh no! Overconfidence. इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे सब। इतना थ्रिलर मैच है। डीके ऑन स्ट्राइक, क्या विनिंग रन्स मार सकते हैं? नहीं, अभी भी सिंगल ही हुआ है। तीन बॉल बची बस। एक से जबरदस्त एक्सपीरियंस था। बेस्ट मोमेंट था जब विराट कोहली बिल्कुल पास आ गया था बाउंड्री पर और मेरी चेयर वहीं से हुई थी और एक ऊपर से बंदा चिल्लाता है आई लव अनुष्का शर्मा ताकि उसे सुनाई दे। लेकिन क्या जबरदस्त थ्रिलर मैच था। स्टेडियम में देखने का तो मजा ही कुछ और है। इसके बाद रियल में देखने का मन, टीवी पर देखने का मन नहीं करता स्टेडियम में देखने के बाद, क्योंकि इतनी पास होते हैं वो प्लेयर्स, यकीन नहीं होता। It was unbelievably hot. Yeah, it was so true. Hot. I'm melting. I'm completely sweaty. My entire face. बहुत ज़्यादा गर्मी थी बस पूरे टाइम ये दिक्कत थी। Anyone who has seen me here will see that I was such a sweat ball. यहाँ पे इंटरव्यू चलने लग रहा है किसी न्यूज़ चैनल का।